सस् आदाब नमस्ते एंड हेलो आप देख रहे हैं वेल्बिंग मैटर्स शाहिंदा के साथ स्कूल में लेट तो टीचर परेशान करती है काम पे लेट तो बॉस परेशान करता है घर में लेट तो बीवी परेशान करती है हर चीज़ अपने वक्त पे होती है हर चीज़ का हम एक समय रखते हैं हर चीज़ हम क्लॉक के हिसाब से करते हैं इसी तरह हमारी बॉडी भी एक क्लॉक के हिसाब से चलती है आज हम बैठे हुए हैं हमारे एक्सपर्ट आयुर्वेदा के डॉक्टर आयुर्वेदा के एक्सपर्ट विवेक चड्डा जी के साथ विवेक चड्डा जी वेलकम बैक टू आर स्टूडियो थैंक यू वेरी मच आहिंदा जी मैं कह रही थी कि हर एक चीज़ अपने वक्त पे होनी चाहिए हर एक चीज़ का एक वक्त होता है एक क्लॉक होती है विवेक जी आज हमें बताएंगे कि आयुर्वेदा के हवाले से कोई क्लॉक हो या बॉडी क्लॉक जिसे हम कहते हैं या आयुर्वेदा क्लॉक जिसे कहते हैं उसके हवाले से आज आपसे हम थोड़ी सी बात करेंगे आप हमें बताइए बिल्कुल जी जैसे कि आपने कहा क्लॉक हर एक चीज़ का एक वक्त होता है दिन होता है रात होती है सूर्य निकलता है हमें पता होता है इतने टाइम पे सूर्य निकलना है इतने टाइम पे सूर्य अस्त होना है क्या मतलब है इसको आयुर्वेद क्लॉक बहुत पुरानी क्लॉक है एक आ, हमारे शास्त्रों में लिखी गई है कि कैसा हमारा दिन होना चाहिए जी पता होने के बावजूद हम उसको नहीं फॉलो कर पाते हैं तो आज का हमारे इस प्रोग्राम में ये रहेगा कि हमारे जो दर्शक हैं वो एटलीस्ट देख सकें कि हमें आइडियली कैसे रहना चाहिए दिन में क्या करना चाहिए ताकि हम ओवरऑल लाइफ लॉन्ग हेल्दी रह सकें एब्सोल्युटली तो आप हमें बताइए कि ये जो आयुर्वेदा की जो क्लॉक है इसके हिसाब से हमारे दिन कैसा होना चाहिए आयुर्वेदा क्लॉक में हमारे पूरे दिन को फोर फोर आवर्स के सिक्स सेगमेंट्स में बांटा गया है ओके okay. या जैसे कि आप जानते हैं कि आयुर्वेद का जो बेस है वो है वात पेतन कफ Okay. थ्री लाइफ एनर्जीज जो हमारी लाइफ को हम कहते हैं चलाती हैं इसी तरह हमारे दिन को उन्होंने तीन इस तरह सिक्स पार्ट्स में बांटा है वाद पिकअकप के हिसाब से फोर फोर आवर्स के तो हम उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे लिसनर्स को ताकि वो देख सकें कि हम कैसे और क्यों हमें ये करना चाहिए जी। कैसे हम इनको करने पे स्वस्थ रह सकते हैं और कैसे ना करने पे हम कैसे बीमारियों में जा सकते हैं Absolutely. तो फर्स्ट हम शुरुआत करते हैं हमारे के हिसाब से सिक्स टू टेन ए एम Okay. जैसे कि आप देख रहे हैं क्लॉक में टू ये कफा की okay. कफा कफा एक प्रॉपर्टी होती है थोड़े ढीले होते हैं थोड़े लिथार्जिक होते हैं है। अक्सर आपने देखा लोग उठ के गर्म पानी पीते हैं चाय पीते हैं कॉफी पीते हैं हमें सोचने की बात है क्यों पीते हैं एनीथिंग एनीथिंग वार्म क्यों क्योंकि कफ का काल है आ, वो ढीला करने के लिए उसको स्टिमुलेशन करने के लिए उसको लिक्विफाई करने के लिए जो हम उसको कुछ ना कुछ पीते हैं जी। फिर एक्सरसाइज करते हैं ताकि इफेक्ट कफा का जो स्लोनेस है उसको हम दूर कर सकें लाइट खाना खाते हैं ये सब प्रोसेस है कफा का एनर्जी गैदरिंग का प्रिपरेशन फॉर द डे तो इस तरह हम आ, अपना एलिमिनेशन पहले कंप्लीट करते हैं फिर हल्का खाना खाते हैं वार्म थिंग्स लेते हैं ताकि हम कफा को जो हैवीनेस उसको न्यूट्रलाइज कर सकें तो हम अपना डे आगे प्रोग्रेस कर ओके okay. उसके बाद आ जाता है टू ओके ओके काल डिनोट्स फायर फायर okay. आप जैसे देख रहे टेन टू टू पी एम मैक्सिमम सन भी होता है सन yes. की पूरी एक्टिविटी होती है जी. तो ये ऐसा टाइम है जब अग्नि हमारी बहुत स्ट्रांग है तो इसका मतलब ये है कि पित्त स्ट्रांग होने से हम जो भी खाना खाएंगे वो ईजिली डाइजेस्ट कर सकते हैं इसलिए हम कॉमन uh, लैंग्वेज में कहते हैं कि सबसे भारी खाना हमें दोपहर में खाना चाहिए लंच में खाना चाहिए। खाना चाहिए जी। लेकिन आप उसको आयुर्वेद सेक्ट कोरोट करेंगे एक तो सन आ गया उसकी अग्नि है एक हमारा अग्नि टाइम चल रहा है हमारी डाइजेस्टिव फायर भी स्ट्रॉन्गेस्ट है तो हम हैविएस्ट खाना भी खाएंगे वो बिना प्रॉब्लम के हमारा डाइजेस्ट हो जाएगा आसानी से पच जाएगा इसी तरह हमारे एक ब्रेन में होता है साधक पित्त पित्त की एक के पांच टाइप्स होते हैं वो हमारे मेंटल लाने के इंटेलिजेंस नॉलेज इमोशंस सेल्फ कॉन्शियसनेस इस टाइम बहुत एक्टिव होते हैं आप देखें टेन टू टू पी हमारा ब्रेन बड़ा शार्पली काम कर रहा होता है डिफरेंट डिसीज हम क्विकली कर सकते हैं पिता के कारण uh, तो इस टाइम में हम ये सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं एक्शन ले सकते हैं ऑर्गेनाइज कर सकते हैं प्लानिंग कर सकते हैं अब क्या हो सकता है अगर बहुत ज्यादा एग्रावेटेड हो जाएगा okay. तो भी प्रॉब्लम भी आती है क्यों एग्रावेट है हीट एग्रावेट हो रही है पित्त एग्रेवेट हो रहा है तो एंग्जाइटी हो सकती है एग्रेशन हो सकता है इवन एसिडिटी और हाइपर के भी पीक टाइम होता है कि इस टाइम के टाइम पे हाइपर और एसिडिटी हो सकती है अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे okay. अब पित्त के टाइम पे हम बहुत स्पाइसी फूड खाएंगे बहुत गर्म चीज़ें खाएंगे तो वो भी प्रॉब्लम कर सकती है उसके बाद आता है टू पी टू सिक्स पी ओके अब देखेंगे कि क्या टाइम लिखा है इसमें लिखा है मूवमेंट का कम्युनिकेशन का वाद का टाइम है सो वात इज़ ए लाइफ एनर्जी या एनर्जेटिक फोर्स है जो कम्युनिकेशन करती है जो कम्युनिकेट करती है कहीं भी चली जाती है व्यक्त है अव्यक्त है पता नहीं है हमारे थॉट्स की तरह कहीं भी चलती रहती है तो so वाद टाइम में क्या होता है हमारी मूवमेंट्स होती हैं मैक्सिमम कम्युनिकेशन है आपने देखा होगा जितनी भी हमारी सोशल गैदरिंग्स है एक्टिविटीज़ हम दूसरे से मिलना पसंद करते हैं हम शाम के टाइम को ही मिलना करते हैं क्यों है ऐसा क्योंकि वाद का टाइम चल रहा है हमारी ये स्किल्स ज्यादा बढ़ती है okay. लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए क्योंकि लाइटर टाइम है हमें खाना हल्का खाना चाहिए कोशिश करनी चाहिए सिक्स पी एम तो हम खाना खा रहे हैं okay. क्योंकि इसके अगले वाला जो टाइम आएगा तो फिर वो आ, फिर कफा काल आ जाएगा स्लोइंग डाउन आ जाएगा तो वो डाइजेस्ट उतना नहीं कर पाएंगे तो बेटर है कि हम हल्का सा खाना खा लें तो आप कह रहे हैं कि जो हमारा डिनर का टाइम हो वो सिक्स पी से पहले हो परफेक्टली सिक्स पी से पहले अगर आप खाना खाते हैं तो देखें ना अगर आप टेन ओ क्लाक भी हैं आपको फोर आवर्स भी मिल रहे हैं आप उसको डाइजेस्ट भी कर पा रहे हैं तो एक्टिविटी परफेक्टली uh, यही कहा गया है कि uh, सूर्यास्त से पहले तो हम इसको ऐसे ले कर चलते हैं कि 6 पीएम तक आपको खाना रात का खाना हाँ खा लेना चाहिए हम बात कर रहे हैं विवेक जी के साथ जो हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी टिप्स दे रहे हैं हम बिल्कुल वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद